तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से सांसद कार्ति चिदंबरम पर प्रवर्तन निदेशालय ने एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए 11.04 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई आईएनएक्स मीडिया मामले में की गई है। इस मामले में उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम पर भी रिश्वत लेने के आरोप हैं। कार्रवाई को लेकर ईडी ने एक बयान जारी किया है जिसमें कुर्क की गई संपत्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। बता दें कि कार्ति चिदंबरम आईएनएक्स मामले में इन दिनों जेल में बंद हैं। उनको सीबीआई और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया था। इन पर आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के जरिए अवैध धन इकट्ठा करने का आरोप था। वर्ष 2007 में आईएनएक्स मीडिया कंपनी से जुड़ा यह मामला पंजाब में एक थर्मल पावर प्लांट से जुड़ा है जिसकी जिम्मेदारी एक चीनी कंपनी को मिली थी। प्रोजेक्ट में देरी होने के कारण चीनी कंपनी के लिए नियमों में अनदेखी की गई और 263 प्रोजेक्ट वीजा जारी किए गए। सीबीआई ने इस मामले में कुल 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। कार्ति चिदंबरम इन्हीं में से एक थे।